ऐसा लगा इनकी जला के अब ये लोग रोएंगे, हम लोग हंसेंगे। हाँ तो भाई कैसे आप सब। आज हम लोग बात करेंगे एक बुढ़ी खेड़ी आंटी पर। अब ये आंटी बहुत ज्यादा फेमस है। आंटी के करतूत कुछ ऐसे हैं कि अगर हम इनके करतूतों पे वीडियो बनाने लग जाए तो हमारी वीडियो तकरीबन 1 घंटे की हो जाएगी। एंड उसमें से कुछ करतूत तो ऐसे हैं जो हम अपने चैनल पे तुम लोगों को बता भी नहीं सकते। अब आंटी को ना लड़ाई करवाने का कुछ ज्यादा ही शौक है, मगर वो लड़ाई किसी दोस्तों के बीच हो या पूरी पाकिस्तान कम्युनिटी की। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ कि इन्होंने एक दफा पूरी पाकिस्तान कम्युनिटी की लड़ाई करवा दी थी। तुम लोगों को याद ही होगा कि बहुत टाइम पहले टॉपअप का ग्लिच होया था जिन पे इन फ्रिया आंटी ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया था, और फायदा उठाने के बाद उनका जो कहना था वो आप लोग खुद ही सुन लो। हमें बहुत अच्छा लगा इनकी जला के अब ये लोग रोएंगे, हम लोग हंसेंगे। और वो किस चीज के ऊपर रोएंगे? अभी मैं वो किस चीज के ऊपर रोएंगे? सोने पे रोएंगे कि हम क्यों सो गए उस रात, जल्दी हम क्यों सो गए यार। लेकिन इसके ही अगले दिन गरीना वालों ने इस आंटी के मुंह पे सीधा लात मारी। इन्होंने जो भी डायमंड से चीजें ली थी वो गरीना वालों ने वापस ले ली। अब आप किसी के भी बड़े चैनल के डिस्कॉर्ड सर्वर में चले जाओ तो ये आपको आंटी उधर जरूर मिले, और आप अगर इनसे तमीज से भी बात करोगे तो ये आपको मुंह पे गालियां देने लग जाएगी। आंटी में एटीट्यूड तो इतना है ना कि ये सिर्फ रिक्वेस्ट भेजने के 2000 डायमंड का टॉपअप मांगती है। हाँ इन आंटी का एक सबसे बड़ा करतूत तुम लोगों को अब मैं दिखाता हूँ। अब ये आंटी टॉप 10 पे होती है। अब रीजन पुश आंटी खुद करती नहीं है बिल्कुल भी। इनकी आईडी से 6-7 लोग खेलते हैं, इनको रीजन पे रखते हैं, वो वक्त आने पे इनको टॉपअप भी करके देते हैं, और जब वो अपने पैसे वापस मांगते हैं तो उनकी मुंह पे ये सीधा लात मारती है। और यार आंटी तो सब बदमाशों से बड़ी बदमाश है। अब जिससे भी बंदा प्रूफ मांगने जाए तो वो प्रूफ नहीं देता, वो कहता है यार मैं इन कामों में पढ़ना नहीं चाहता। हर बंदा इन आंटी से पता नहीं क्यों डरता है। अब डीएमटी फ्रिया की बात कर ही लिए तो इसकी दोस्त डीएमटी अलीना की भी बात कर लेते हैं। दोनों को आज की वीडियो में समेट दिया। अब डीएमटी अलीना का ये सीन है ना कि वो एक नंबर की स्कैमर है। वो बात अलग है कि वो अलीना के एक हाथ नीचे है, मगर वो भी बहुत स्कैम करती है। अलीना की आईडी से जो भी बंदा पुश करता है अलीना उसकी भी आईडी का आईडी पास रखती है, उससे टॉपअप वगैरह भी करवाती रहती है अपने अकाउंट में कि मैं तुझे बाद में पैसे दे दूं, रैंक पुश के भी पैसे मैं तुझे बाद में ही दूं। और जब वो बंदा कहता है कि मुझे रैंक पुश और जो मेरे बाकी डायमंड्स के पैसे बनते हैं वो तू मुझे दे दे, तो अलीना फिर पहले अपनी आईडी का आईडी पास चेंज करती है और फिर उसकी आईडी का आईडी पास चेंज कर देती है। वो बंदा अपनी आईडी से भी हाथ धो बैठता है, अलीना की आईडी भी उसके हाथ नहीं लगती और उसके डायमंड्स और पैसे भी जाते हैं। अलीना अगर तूने अपना इतना दिमाग किसी और जगह पे लगाया हो तो तू पता नहीं किधर होती यार। अब मुझे समझ आ रही है कि वो सही कहते हैं कि जिसको हराम खाने की आदत पड़ जाए वो फिर हलाल खाने का सोचता भी नहीं है। अलीना को छोड़ के वापस से फरिया को पकड़ लेते हैं। मुझे पता है जितने ही मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि फरिया का एक फेसबुक पे पेज भी है। और जहां तक मुझे पता चला है कि अगर कोई फरिया पे रोस्ट वीडियो बनाता है, फरिया ने एक प्रॉपर ग्रुप बनाया हुआ, उधर वो उस बंदे का नंबर लीक करती है और उसको गालियां पड़वाती है। और यार मुझे पता है इस वीडियो के बाद मुझे गालियां और धमकियां पड़नी है। और गालियां और धमकियां देने वाले जरा ये बात सोच के मेरे पास आना कि कुछ पता नहीं मैं इसी वीडियो का फिर पार्ट 2 बनाऊं और फिर अलग लेवल का हो जाए यार, क्योंकि गालियां और धमकियां हमें भी आती है लेकिन हम तमीज से रोस्ट करने वाले। फ्रिया तू अपनी ये मस्तियां छोड़ दे। सॉरी यार फ्रिया आप ही अपनी ये मस्तियां छोड़ दो, वरना हम तो मैदान में उतर गए और हम भी आप पीछे हटने वाले नहीं है। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना शेयर, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में एडिटर के भी चैनल का लिंक होगा, उधर जाके उसको भी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੈ ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਿੰਡੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ, ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਾ ਤੋ ਛੋਟੇ ਵੈਰ ਨਾ ਪਾਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਕੇ।